हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मालविका स्पेशल। आज मैं रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ पॉन्ड्स के मॉइस्चराइज़र का। ये पॉन्ड्स सुपरलाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये, एंड मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है ये, एक कोल्ड क्रीम का भी वर्क करता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो पहले बात करती हूँ कि इसमें हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई है, एंड ये हर सारी स्किन टोन के लिए ये परफेक्ट होता है। सारी स्किन टोन के लिए बेस्ट दी बेस्ट मॉइस्चराइज़र है ये। एंड इसका इसका टेक्सचर देखिए कितना ही, ये कुछ जेल फॉर्म में है, आप देख सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा है। इसे ना आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग देखिए, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। ये सारे स्किन टोन के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ नहीं लगाया था, मैंने डायरेक्ट इसे ही लगाया है। आप लोग देख सकते हो इफेक्ट इसका, एकदम बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका। एंड सबसे बेस्ट, ये नॉन स्टिक की ग्लो देता है। कोई भी आप कोल्ड क्रीम लगाओगे, आप लोग कोई मॉइस्चराइजर फेस पे नहीं लगा सकते हो, बट ऐसा मॉइस्चराइजर है कि आप इसे फेस पे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। मैं इसे फाउंडेशन में भी मिक्स करके यूज़ करती हूँ, मैं इसे एज अ प्राइमर भी यूज़ करती हूँ। बचपन से ही पॉन्ड्स की क्रीम वगैरह यूज़ करते थे, पहले इतनी अच्छी अच्छी अलग अलग ब्रांड्स नहीं थे, तो सब लोग पॉन्ड्स के बचपन से। तो आप लोग देख सकते हो इसका प्राइस 299 रुपीज़ है, एंड इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो भी आप लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये बड़ा वाला टब है, ये 299 रुपीज़ वाला टब है। इससे छोटा टब भी आता है, आप लोग ट्राई कर सकते हो किसी छोटे टब से, वो 149 रुपीज़ में आता है शायद। तो कुछ डिस्काउंट पे और भी आपको नायका पे या मिंत्रा पे मिल सकता है, तो आप लोग वहाँ से ट्राई कर सकते हो। ट्रस्टवर्दी है, वेल नोन है, आप लोग जानते हो पॉन्ड्स आर सिंह, ये बहुत ही पुराना ब्रांड है, तो बहुत ही अच्छा है। एंड इसका टेक्सचर मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये कुछ जेल फॉर्म में है, एंड मैंने इसे पूरा ही एक्चुअली यूज़ कर लिया है। और इसका ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है, बहुत ही अच्छे टेक्सचर में है। एंड इसको लगाने पे भी ये एकदम स्टिकी नहीं है, नॉन स्टिकी है ये, बहुत ही अच्छा है। पता ही नहीं चलता स्किन पे कुछ लगा, बहुत ही लाइट है ये, काफ़ी अच्छा है। आप लोग ट्राई कर सकते हो, आप लोग इसे मेकअप में, फिंटर्स में, फाउंडेशन डायरेक्ट नहीं लगाते हैं तो फाउंडेशन में ही मिक्स करके लगा सकते हैं इसे। काफ़ी अच्छा है, एकदम चिपचिपा सा नहीं लगता है फेस पे। गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, एंड इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा। आप लोग इसे बहुत ही अलग अलग वे में ट्राई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।